दोस्तों, कभी ना कभी आप लोगों से अपनी गाड़ी की चाबी जरूर गुम हुई होगी, चाहे वो घर पे हो या कहीं बाहर हो, और उस समय जो फील आती है वो बहुत बुरी होती है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आपकी गाड़ी की चाबी गुम हो जाए तो क्या करें। और सबसे पहली चीज़ तो आप ये करें कि घबराए ना, और ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ उसे पूरा देखें, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी कुछ समझने को मिलेगा। सो वो सारी चीज़ें जानने से पहले थोड़ा सा ये जानना ज़रूरी है कि गाड़ी की चाबी कार के साथ मैच करके वर्क कैसे करती है। ये जो वर्किंग है कार की चाबी की, ये नॉर्मल बाइक की चाबी से अलग होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि गाड़ी की चाबी जब बाइक की चाबी जब गुम होती है तो नॉर्मल किसी भी लॉक वाले के पास चले जाते हैं, वो उसी मैचिंग की ये जो कीज़ पैटर्न है इन्हें बना के या स्केल वगैरह से रगड़ के अपना, और वो बना देता है गाड़ी की गाड़ी जो है बढ़िया स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपकी कार की चाबी अगर गुम हो गई, अगर आपने इसकी फ़ोटो वगैरह खींच रखी है या कुछ और भी करके रखा हुआ है, तो ये चाबी कभी भी आप अगर लगाएंगे इसकी मैच सेम टू सेम, तब आपकी गाड़ी चाबी नहीं होगी। क्यों? उसका कारण मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है गाड़ी का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और यहाँ पर आपको एक रेड कलर की लाइट ब्लिंक करती हुई दिख रही होगी। ऐसा लॉक बना हुआ है और यहाँ पर पीछे की तरफ गाड़ी है। सो ये जो लाइट है ये होती है इंजन इमोबिलाइज़र की। इंजन इमोबिलाइज़र कुछ नहीं होता, एक छोटी सी चिप होती है जो आपकी गाड़ी के अंदर लगी हुई होती है, जो कि आपके ECU से कनेक्ट होती है, और ECU का वर्क होता है आपकी आपका जो इंजन है उसे फ्यूल देना। सो जब आपकी चाबी कनेक्ट होती है, सो जब भी आप अपनी चाबी को लगाते हैं, तो इसका मतलब जैसे ही आप ऑन करेंगे तो ये जो इंजन इमोबिलाइज़र का साइन है ये चला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने ऑन किया और वो साइन चला गया। लेकिन जब आप इसकी मैचिंग की लगाएंगे और आप इमोबिलाइज़र को मैच नहीं करेंगे, तो ये साइन जो है आता रहेगा और आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है कि जो आपका इमोबिलाइज़र है उसे सही तरीके से अपनी कार के साथ कोडिंग करनी पड़ती है, और उस कोडिंग के लिए यूज़ होता है एक OBD स्कैनर का, जो कि शोरूम में प्रोफेशनल लोगों के पास होता है और वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। आप घर पर भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी कि कोडिंग किस तरीके से की जाती है। तो आप उस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप सर्विस सेंटर चले जाएँ, वहाँ पर आप जाएंगे जब तो आपकी जो कार है उसके साथ उनका एक कोड जो है वो जुड़ा हुआ होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी गाड़ी की चाबी के साथ एक ये नंबर दिया हुआ होता है। सो इसका यही काम होता है, ये कोई वैसे ही डिज़ाइन में नहीं दिया होता है। जब भी आप अपने इमोबिलाइज़र में कोडिंग करेंगे तो आपको इस वाले कोड की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यह हर गाड़ी का अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, कभी कभी ये नंबर्स वगैरह या कोई अल्फ़ाबेटिक वाइज भी हो सकता है। सो ये चीज़ें अलग अलग गाड़ी पे अलग अलग डिपेंड करती है। सो यही होता है, बाकी ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। चाबी गुम जाती है सो गुम जाती है, आपको नई बनवाने में ज़्यादा खर्चा आता नहीं है, अनलेस आप इधर उधर परेशान ना होकर के जल्दी से सर्विस सेंटर चले जाएँ। उम्मीद है आप लोग को वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।